देखिए, वो मेरे पास आए थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम रूटीन चेकअप के लिए मेरे पास आते थे। बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि एडवांस्ड एज में कभी थोड़ा बीपी बढ़ गया, कभी थोड़ा सा ब्लीडिंग होने लग गया, तो तब हम उनको मैनेज करते थे। अदरवाइज वो ज्यादातर सही रहे हैं, हेल्दी रहे हैं और वो बहुत फिट हैं, तभी उन्होंने ये कदम उठाया होगा। तो इस न्यूज को देख के हम चाहते हैं कोई गलत मैसेज भी ना जाए। तो जब भी कोई एडवांस एज में प्रेगनेंसी होती है, तो सबसे पहले मदर की फिटनेस को असेस करना होता है। सबसे पहले मदर को सेफ रखना, बचाना हम सबका फर्ज होता है। तो अगर मदर अनफिट हैं तो ये ट्रीटमेंट्स नहीं करे जाते। ओनली व्हेन द मदर इज फिट, उनका सारा कुछ ठीक है, उनका हेल्दी है, काम करते हैं, सांस नहीं चढ़ता, हार्ट फंक्शन इज गुड, कोई डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो ऐसे लोग आईवीएफ का सहारा लेते हैं मजबूरी में, स्टेज इसीलिए में। तो ना सेफ मनाया था इसको। अगर मदर फिट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो ये सेफली जाता है विद गुड मॉनिटरिंग। प्रेगनेंसी में हमें अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है, तो हमें एक ऐसे टाइम पे डिलीवरी करानी होती है जहाँ पे मदर और बेबी दोनों हम सेफ निकाल लें। बेबी का बर्थ वेट 2 kgs है और टाइम ऑफ बर्थ है 5:58, 5 hours 58 मॉर्निंग। नाम बता सकते हो रिपोर्ट में नाम क्या रखा नहीं, अभी तो हम बेबी ऑफ चरणजीत कौर लिखते हैं, बाकी फैमिली जो भी नेम डिसाइड करेगी। और मेरी टीम में डॉक्टर सानिया जिंदल, इन्होंने आज मेरे को, आज ये आए चंडीगढ़ से और इन्होंने असिस्ट किया है सर्जरी में, और ये गायनिकोलॉजिस्ट हैं, गायनी, इन्होंने चंडीगढ़ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमडी गायनी किया है। तो हमने मिलकर ये काम किया है आज। और हमारी टीम में डॉक्टर सानिया हो गए, डॉक्टर कोमल है हमारे पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर सुमन और डॉक्टर राजेश जिंदल है हमारे कार्डियोलॉजिस्ट। तो हम सब ने मिलके इन ये केस को हैंडल कितनी किया है। डॉक्टर टीम कितने मेंबर से ये सारा ट्रीटमेंट हाँ, करेंगे तो मैंने अभी बताया ही आपको। तो डॉक्टर्स के अलावा देखो, जब कोई सिजेरियन होता है तो गायनेकोलॉजिस्ट, जिसे हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं, प्लस पीडियाट्रिशियन एंड एनेस्थेटिस्ट, ये तो होते हैं। उसके अलावा जो हमारे असिस्टेंट्स हैं, ओटी असिस्टेंट्स, स्क्रब नर्स और बेबी के नर्स, ये सारी टीम होती है। इट्स अ टीम वर्क, तो सब मिलके करते हैं। प्रेगनेंसी।